हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की स्पेशली वीडियो मैं लेके आया हूँ सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन के लिए, जो इस वीडियो के अंदर हम आपको टोटली जानकारी और डिटेल्स देंगे इसके अंदर दोस्तों, कि मशीन आप लेते हो तो मशीन लेने के बाद मशीन को स्टार्टअप कैसे करना है, तो उसके लिए बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट रहेगी ये वीडियो। और मशीन के अंदर आपको आइसक्रीम बना के, फ्लेवर बना के मशीन को फिटिंग कैसे करना है, उसमें छोटा, वैसे तो मशीन फिट होके ही हम बेचते हैं, लेकिन छोटा मोटा अटैचमेंट से उसको फिट कैसे करना है, आइसक्रीम का फ्लेवर कैसे बनाना है, मशीन के अंदर कैसे लगाना है, और आइसक्रीम कैसे निकालना है, और आइसक्रीम निकालने के बाद रोज शाम को जब आप मशीन, दुकान, शॉप बंद करते हो अपना, तब मशीन को वॉश कैसे करना है, तो ये वीडियो के अंदर हम आपको पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, जिससे आपको पूरी मशीन की डिटेल जानकारी मिलेगी कि मशीन कैसे चलती है, कैसे ऑपरेट होती है, कैसे फ्लेवर बनी जाती है, और कैसे आइसक्रीम बनाया जाता है, और एंड में मशीन को वॉश करके कैसे आपको रखना है, सही तरीका, सही सिस्टम क्या है इसकी। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक आप जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है, नए सब्सक्राइब है, तो भी आपके लिए मशीन खरीदनी है तो भी इंपॉर्टेंट से, अगर आपने हमारे से मशीन खरीद ली है तो भी आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको मशीन ऑपरेटिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। वैसे तो हम आपको भाई टेलीफोनिकली सपोर्ट करते ही है, लेकिन अगर आप ये वीडियो लेंगे तो भी आपको लाइव देखने से आपको आसानी हो जाएगी मशीन को स्टार्टअप के लिए, मशीन को चलाने में, मशीन को वॉश करने के लिए, धोने के लिए, साफ करने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल में, तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपको हमारी अलग अलग नई नई प्रोडक्ट्स, नई नई बिजनेस आइडिया, आज की तारीख में बिजनेस और उसके रिलेटेड बहुत ही मार्केट अभी खराब है, तो इसके हिसाब से आपको नया बिजनेस मिले, नया डेवलपिंग बिजनेस कैसे करना, उसमें प्रॉफिट कितना मिलता है, कैसा मिलता है, तो वो सब चीज़ की आपको जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं हमारी मॉडल्स के बारे में, क्या कौन से मॉडल्स हम ये वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हमारा डॉल्फिन कंपनी का सिंगल फ्लेवर का प्लेटिनियम मॉडल 2021 का सबसे लेटेस्ट और पोर्टेबल मॉडल है। सिंगल फ्लेवर की मशीन है, पोर्टेबल है, और A4 साइज की आप देख सकते हो, पूरा इसका साइज भी A4 का जो पेपर है वो साइज की पूरी मशीन है। जो मशीन की एक घंटे में आपको 100 कॉन्स की कैपेसिटी है, एक घंटे में आप 100 कॉन तक निकाल सकते हैं। पूरी मशीन ऑटोमेटिक और डिजिटली ऑपरेट है, जैसे कि यहाँ पे हमने टच का 7 इंच का टच डिस्प्ले डाल दिया इसके अंदर, जिसको आप पूरी मशीन को ऑपरेटिंग डिस्प्ले से कर सकते हो दोस्तों। मशीन में कितना आइसक्रीम बचा है, कितना निकलने वाला है, मशीन को वॉश कैसे करना है, कल सुबह मशीन में फॉल्ट आए तो उसको सोल्व कैसे करना है, आइसक्रीम को हार्ड बनाना है, सॉफ्ट बनाना है, उसमें एयर फिल करना है, कितना परसेंट एयर फिल करना है, हर एक डिटेल से डिस्प्ले के अंदर होगा, तो हम आपको वीडियो में सब चीज बताएंगे। उसके बाद का नेक्स्ट में अगर आपको बड़ी मशीन चाहिए तो हमारी टेबल टॉप मशीन है 2+1 की, जिसके अंदर से 2 फ्लेवर और एक बीच में से मिक्स फ्लेवर निकलता है। ये मशीन की 1 घंटे की कैपेसिटी है, 250 से 300 कप या कौन आप निकाल सकते हो 1 घंटे के अंदर। डबल कंप्रेसर वाली मशीन है, प्री कूलिंग है पूरी मशीन की, स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, और ये टेबल टॉप मशीन है, यहां तक की मशीन आती है आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये मशीन को आप कोई भी गाड़ी है, कोई भी व्हीकल है, या अपना शॉप है, काउंटर है, कहीं पे भी इसको रख के अपना एक बिजनेस कर सकते हो, आइसक्रीम का बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद हमारी ये डॉल्फिन अप्लायंस की प्लेटिनियम मॉडल सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन है, जो फ्लोर मॉडल है, हाइट वाली मॉडल है, जिसको आप शॉप पे रख सकते हो, या अपना बड़ा कोई मॉल है, रेस्टोरेंट है, वहीं पर आप ये मशीन को रख सकते हो। और ये मशीन प्लेटिनियम मॉडल में रेम्बो सिस्टम है, रेम्बो मतलब के टॉपिंग्स वाला, जैसे कि आप यहाँ पे बॉर्डर देख सकते हो दोस्तों, ये बॉर्डर है वो टॉपिंग्स है, तो अगर कोई कस्टमर रिक्वायरेट करता है टॉपिंग्स वाला, तो उसके लिए टॉपिंग्स की लाइन है, आप देख सकते हो टॉपिंग्स से पूरा बन के आइसक्रीम निकलेगा इसके अंदर से दोस्तों। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ये वाली मशीन की डेमोस देता हूँ, कि ये मशीन कैसे फिटअप की जाती है, इंस्टॉल की जाती है, मटेरियल कैसे बनाया जाता है, मटेरियल को कैसे फिलअप किया जाता है, आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है, आइसक्रीम कैसे सर्व की जाती है, और जब शाम को शॉप बंद करने का टाइम है तब मशीन को वॉश कैसे की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले मशीन के साथ आपको जो लोकेशन में, जो सिस्टम में दिख रही है, यही सिस्टम, यही पोजीशन से हम आपको मशीन भेजेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके साथ इसका एक कॉन होल्डर है, जिसके अंदर से आप कॉन निकाल सकते हो, एक कॉन होल्डर है जो कॉन रखने के लिए होल्डर रहता है, एक कौन होल्डर से हम साथ में भेजते हैं आपको, ये होल्डर्स को आपको यहाँ पे फिटअप कर देना है इसको।
यहाँ पे पोजीशन पे कोन होल्डर फिटअप हो चुके हैं, आप देख सकते हो। ये दोनों लाइन में आपको एक एक कोन का पट्टी लगाना है, जो हम अभी आपको लगा के दिखाएंगे। मशीन के साथ में हमें आपको बॉक्स देंगे फ्री में, ये इसका स्पेयर किट बॉक्स है। ये बॉक्स खोलेंगे हम इसको, ये बॉक्स को खोला हमने। सबसे पहले इसके अंदर इसका डिजाइन निकला है, जहाँ से आइसक्रीम सर्विंग होता है, एक दो तीन। यहाँ पे आप अलग अलग शेप का अलग अलग डिजाइन लगा सकते हो, ये डिजाइन का किट है पूरा। ये किट यहाँ पे तीनों का अलग अलग शेप बनाना है तो बना सकते हो, कम से कम 7 से 8 अलग अलग डिजाइन है, आप डिजाइन चेंज कर सकते हो इसका, ठीक है। उसके बाद इसका मैनुअल किट है, मशीन के अंदर कौन सा सामान आता है, कौन सा स्पेयर पार्ट आता है, कौन सा कल सुबह फॉल्ट आया तो कैसे सोल्व करना है मशीन को, ये सब डायरी इसका दिया गया है। इसके अंदर आप हर एक जानकारी ले सकते हो। उसके बाद इसका ग्रीसिंग है, कल सुबह कुछ 6 महीने 8 महीने बाद कुछ हैंडल हार्ड हो जाता है, हैंडल खींचने में थोड़ा हार्डनेस हो जाता है, तो आप एक ग्रीसिंग करके उसको वापस जैसा था वैसा कर सकते हो। उसके बाद इसके तीन हैंडल है, सर्विंग हैंडल बोलते हैं इसको, ये तीन हैंडल है जहाँ से आइसक्रीम निकलेगा, ये सर्विंग हैंडल बोलते हैं, जो यहाँ पे भी लगने वाले हैं, हम आपको लगा के बताएंगे इसको। उसके बाद इसका ये ओरिंग वाइसर का किट है, कल सुबह कोई छोटा मोटा अगर फॉल्ट आता है तो ओरिंग वाइसर हम मशीन के साथ में फ्री में देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री में। कल सुबह आपको कोई मेंटेनेंस है तो हम भाई आपको टेलीफोनिकली समझाएंगे कि ये वाइसर ये ओरिंग चेंज करो और आपकी मशीन में कोई लीकेज का फॉल्ट है तो उसको सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ये सब रख देते हैं, ये डिजाइन एक बार रखते हैं, अभी आपको लगा के भी बताएंगे इसको। सबसे पहले हम इसका हैंडल फिट करेंगे, आप देख सकते हो हैंडल से। ये हैंडल फिट करने के लिए सबसे पहले आपको ये बोल्ट ओपन करना पड़ेगा, ये बोल्ट खुल जाएगा पूरा, आप देख सकते हैं ये खुल गया है बोल्ट। उसके बाद यहाँ पे इसका पिन दिया गया है, इसको पिन को खींच देना है आपको। ये पिन खींचने के बाद आपको ये पोजीशन के अंदर लगाना है, ये सेम पोजीशन के अंदर आपको इसको हैंडल, जैसे ये हैंडल ऊपर आना चाहिए, ऐसे उल्टा नहीं आना चाहिए, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हैंडल मतलब नीचे आ गया, इसको आपको सीधी पोजीशन में लगाना है, तो आप ऐसे इसको एग्जैक्ट पोजीशन पे लगा सकते हो इसको। ये लगा के आपको इसको पुश करना है वही तरीके से। उसके बाद दूसरा सेकेंड हैंडल है, ये हैंडल लग गया सेकेंड वाला भी। उसके बाद ये थर्ड वाला हैंडल है, ये फिट अप हो चुका है। उसके बाद जो हमने बोल्ट खोला था उसको वापस हम कस देंगे। ये हो गया हैंडल फिट, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं पूरा ये हैंडल तीनों फिट हो चुके हैं। अभी इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट है, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से पहले मशीन को वॉश करना है। सबसे पहले हम नॉर्मल वाटर है इसके अंदर डालेंगे, नक तो पानी, ये ऊपर की साइड दो बाउल है उसके अंदर हम नॉर्मल वाटर डालेंगे। बस बिजू आबाजू दोनों साइड के बाउल में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, ये नॉर्मल वाटर दोनों बाउल में हमने डाल दिया। उसके बाद मशीन में यहाँ पे वॉश का बटन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉश का बटन दिया गया है, ये वॉश का बटन दबाना है हमारे को, इसलिए वॉशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा डिस्प्ले में, आप देख सकते हैं, आप वॉश का बटन देख सकते हैं यहाँ पे, ये वॉश हो रहा है। इसको आपको 2 मिनट चलाए रखना है वॉश बटन को, 2 मिनट तक इसको वॉश होने देना है आपको। इसके हम ढक्कन वापस फिर से ढक देंगे, ढक के दूर उठाओ, इसको आपको 2 मिनट चला ही रखना है आपको। उतनी देर में हम थोड़ा इसका आपको डिजाइन बताया था कि अलग अलग तीन डिजाइन इसका निकाल लेते हैं इसका, ये आप देख सकते हैं। अभी हम इसके अंदर एक हार्ट शेप लगाएंगे इसमें, ये दो अलग अलग शेप है, एक हार्ट शेप है
और एक ट्राइंगल शेप है, तीनों दो शेप लगाएंगे और एक जो इसमें स्टैंडर्ड शेप है वो रहने देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से निकलता है, ये निकल गया स्टार शेप है इसका, ये दोनों स्टार शेप हम निकाल देंगे। उसके बाद एक हार्ट का शेप लगा देंगे बीच में, ये लग गया है, हार्ट शेप लग चुका है। अभी हमें इसको यहाँ से पानी वापस निकाल देंगे, वाटर जो अभी हमने वॉशिंग के लिए पानी डाला ये हम निकाल लेंगे। ये सब पानी निकल चुका है, वॉश हो चुका है। उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, पुश कर देंगे, इसलिए वापस नॉर्मल मोड पे आ चुका है मशीन। इसके बाद का अभी नेक्स्ट प्लान रहता है मटेरियल कैसे बनाना, रेसिपी इसका फ्लेवर कैसे बनाना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बायोफ्लेक्स कंपनी का पाउडर है, आप देख सकते हैं सॉफ्टी आइसक्रीम का पाउडर है, ये स्ट्रॉबेरी का पाउडर है। अभी तक हमने कम से कम 10 से 15 अलग अलग कंपनी के पाउडर्स यूज़ किए हुए हैं, जिसमें हमको सबसे बेटर और टेस्टी और स्टैंडर्ड क्वालिटी का पाउडर हमको ये लगा है। इसलिए हमारे कस्टमर को कोई भी मशीन आप लेते हो, हमारे कस्टमर को 10 केजी पाउडर हम मशीन के साथ में फ्री में देते ही। जब आप मशीन हमसे बुक कराएंगे तो 10 किलो पाउडर मशीन के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री में मिलेगा, ठीक है। तो ये मटेरियल है, 1 किलो का पाउडर है, इसके अंदर आपको 4 केजी मिल्क, 4 लीटर या 4 किलो मिल्क लगाना है। अभी हमें अमूल कंपनी का 500 ml का एक बैग है, ये अमूल कंपनी का अमूल गोल्ड करके है मिल्क, 500 ग्राम का एक है। ऐसे हमने 8 बैग लिए हैं, टोटल 4 किलो मिल्क हमने ले लिया है इसका, ठीक है। अभी हम इसमें 4 किलो मिल्क डालेंगे, आप देख सकते हो अमूल गोल्ड का फुल फैट फुल क्रीमी मिल्क है। जितना बढ़िया क्वालिटी का मिल्क होगा, जितना अच्छा मिल्क होगा, उतना उसका क्वालिटी अच्छा बनेगा, टेस्ट अच्छा आएगा उसका। इसका हम आपको प्रॉफिट का लैंडिंग कॉस्ट, प्रॉफिट कितना होता है, कौन पे कितना कौन निकलेगा, ये सब भी माहिती आपको डिटेल देंगे, जिससे आपको बिजनेस करने में आसानी होगी कि ये बिजनेस करने से आपको रोजाना कितना प्रॉफिट हो सकता है बिजनेस में। तो ये सब जानकारी भी हम आपको लास्ट में एंड में देंगे दोस्तों, तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहे, जिससे आपको ज़्यादा डिटेल और नोटिफिकेशन है बिजनेस की मिलती रहे दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद जान। अभी ये पाउडर है स्ट्रॉबेरी का, हमें डालेंगे इसके अंदर, आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉबेरी का पाउडर है। अभी हमने पाउडर डाल दिया, उसमें हम मिक्सर करेंगे, मिक्सर मशीन है बॉस कंपनी का, जो मशीन के साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री में दिया जाता है। कोई भी आप मशीन बुक कराते हो तो मशीन के साथ ये मिक्सर मशीन फ्री में मिलेगा आपको। बोलो, ये बॉस कंपनी का मिक्सर है, जो अभी हम आपको इसमें से मिक्स करके बताएंगे इसमें से। आप देख सकते हो ये वाला लीजिए, ये मिक्सर मशीन है, अभी इसको थोड़ा नॉर्मल वाटर में वॉश करेंगे पहले, आप देख सकते हैं। उसके बाद अभी फ्लेवर को मिक्स करेंगे,
आप देख सकते हो यहाँ पे चुआवी नहीं देखा ऊपर कर ही नहीं मेरे ये फ्लेवर मिक्स हो रहा है। इसको अच्छे से आपको ब्लेंड कर देना है, जो पाउडर और मिल्क दोनों को एक कर देना है इसके अंदर। आपको देख सकते हैं पूरा हाँ स्क्री गन ऊपर 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 इसको आपको कम से कम एक से दो मिनट चलाना है, जिससे अच्छे से पाउडर और मिल्क प्रॉपरली अच्छे से मिल्क और पाउडर मिक्स हो जावे। मिक्स हो चुका है प्रॉपर ही, अब देख सकते हैं। जावा दिया ना लिए कुर्सी ले ले। अभी हम मटेरियल इसके अंदर फिलअप करेंगे। दोनों में दो दो लीटर डालेंगे हम टेस्टिंग पर्पस के लिए। आप देख सकते हो दोनों बाउल में टेस्टिंग के लिए हम डाल रहे हैं मटेरियल। तो नहीं ना कि दे उसके बाद डालने के बाद थोड़ा हम वॉश बटन दबाएंगे ऊपर ऊपर और तीनों लाइन में से थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। तीनों में से लेके वापिस ऊपर डाल देंगे। उसका वापिस ढक्कन ढक देंगे, एक ढक्कन है इसके बॉक्स। अभी हम इसको स्टार्टअप करेंगे। यहाँ पे फ्रीज का बटन है, ये फ्रीज का बटन दबा के इसको स्टार्टअप करेंगे पाछल रहे। ये फ्रीज का बटन है, इसको पुश करेंगे इसलिए इसका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको मशीन हमने स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं अभी इसका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको टेम्परेचर बताएगा, यहाँ पे आपको टेम्परेचर बताएगा कितना सेल्सियस टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर 28 का आपको जो दिखा रहा है, जो यहाँ पे सिलेंडर टेम्परेचर जहाँ पे आइसक्रीम जम रहा है, 21 का टेम्परेचर ऊपर का है जहाँ पे प्री कूलिंग है, जो अभी हमने मटेरियल डाला वहाँ पे उसको चिल्ड रखेगा, जिससे गर्मियों के मौसम में खराब ना हो दूध। यहाँ पे 21 का टेम्परेचर, यहाँ पे 27 का है। यहाँ पे आइसक्रीम का शेप बता रहा है कि कितना परसेंट आपका रेडी हुआ है। जब आइसक्रीम पूरा रेडी होकर तैयार हो जाएगा, ये पूरा कोन रेडी बन जाएगा, ये ब्लिंकिंग नहीं होगा बाद में, और 65% की जगह 100% हो जाएगा। डिस्प्ले को एक बार पुश करेंगे आप तो यहाँ पे वोल्टेज बताएगा कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना आरपीएम हो रहा है, कितना शिफ्ट है, कितना सेल्सियस है, कितने कोन मशीन में से निकाले गए है, ये सब चीज दिखाएगा। आप देख सकते हैं अभी जहाँ पे 27 था वो 25 हो चुका है, धीरे धीरे डाउन होकर माइनस टेम्परेचर हो जाएगा। ये स्टार्टिंग टाइम इसको जब आप फर्स्ट टाइम मटेरियल डालते हो उसके अंदर, इसलिए 12 से 15 मिनट का टाइमिंग लेती है मशीन आइसक्रीम जमाने के लिए। 12 से 15 मिनट के अंदर आपका आइसक्रीम होके तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है इसके अंदर, फिर आप कस्टमर को दे के सर्विंग कर सकते हो। नेक्स्ट में हम आपको कौन कैसे इसमें फिट करना है वो बताएंगे आपको। आप देख सकते हैं होल्डर हमने जो लगाया है, इसमें कौन कैसे फिटअप करना है, ये कौन रहता है जो मार्केट में मिलता है बाजार में, उस टाइप का कौन है, ये कौन रहता है। ये पूरा पट्टी 20-25 पीस का इसके अंदर आप फिटअप कर सकते हो। अभी मैं आपको डेमो के लिए ये नॉर्मल ये सिस्टम बता रहा हूँ फिट करके। आप देख सकते हैं ये पट्टी फिट हो चुका है। अभी कोई कस्टमर आता है तो आप इसको 1x1 कौन दे सकते हो, A1 निकला कौन कस्टमर को सर्विंग करके दे सकते हो। 1x1 कस्टमर को आप सर्विंग दे सकते हो। इस हिसाब से दोनों साइड आप इसको प्लेटअप रख सकते हो।
विद 10 मिनट के बाद, 10 से 12 मिनट के बाद आइसक्रीम रेडी हो जाएगा। हम आपको आइसक्रीम निकाल के बताएंगे, फिर उसमें से कैसे वर्किंग करना है, कैसे हार्ड सॉफ्ट करना है वो भी बताएंगे, सेटिंग करना समझाएगा, और मशीन में से मटेरियल निकाल के मशीन को वॉश करना भी आपको समझाएंगे। ठीक है, अभी आइसक्रीम बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। -4 का टेम्परेचर है यहाँ पे, -5 का टेम्परेचर हो चुका है, 75% रेडी है आइसक्रीम, आप देख सकते हैं यहाँ पे -5 का टेम्परेचर है, 77% रेडी है, और इसका ब्लिंकिंग आप देख सकते हैं, ये 7 का टेम्परेचर है, इसका ऊपर का टेम्परेचर 7 का है। अभी हम आपको इसमें से आइसक्रीम निकाल के बताएंगे। नाजीन थोड़ा झूम रख जाए, अभी हम इसमें से आइसक्रीम निकालेंगे, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम आप देख सकते हैं। आप ही दिया कर। वही तरीके से हम बीच में से दूसरा डिजाइन निकालेंगे। पहला हमने आपको डिजाइन दिखाया वो स्टार शेप का है, अभी हम आपको दूसरा डिजाइन दिखाएंगे। ये हार्ट शेप है, आप देख सकते हैं पूरा। इसको और आपको हार्ड और सॉफ्ट जितना भी करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसमें और सॉफ्ट करना है और हार्ड करना है आपको, तो अपने हिसाब से आप मॉडिफिकेशन आइसक्रीम निकाल सकते हो इसमें सेटिंग में जाके आप। ठीक है, अभी हम आपको तीसरा शेप दिखाएंगे। 1-2 स्टार शेप है, हार्ड शेप है, अभी ये ट्राइंगल शेप है। ये ट्रायंगल शेप आप देख सकते हैं। तो इस तरह का बेहतरीन क्वालिटी का आइसक्रीम निकाल सकते हो इसके अंदर से दोस्तों। और अभी मैं आपको थोड़ा इसका फंक्शनिंग के बारे में भी दिखा दूं कि इसका फंक्शनिंग सेटिंग कैसे होता है। थोड़ा कैमरा पास लाइए, चोखू देखा इसने क्लियरिटी। अभी हम इसका आप देख सकते हैं, अभी हम इसको पुश कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, मेन फंक्शन में आ रहे हैं, बाहर के फंक्शन में। जहाँ तक आप जानते हो हमने पहले आपको बताया ये वॉश का बटन है, इससे आप मशीन को वॉश कर सकते हैं। ये फ्रीज का बटन है जिससे आपका आइसक्रीम बनाना है। ये कीप फ्रेश का है जिसमें आपको नाइट मोड में आइसक्रीम रखना है। अगर रात को बच गया और आपको मशीन वॉश नहीं करना और इमरजेंसी में कहीं जाना है तो आप ये कीप फ्रेश का बटन लगा के पड़ा हुआ मटेरियल अच्छा रहे, ख़राब ना हो, उसके लिए कीप फ्रेश रख सकते हैं। ये प्ले का बटन है, इसमें आपको हर एक जानकारी मिलेगी, मशीन कैसे चलानी है, मशीन कैसे वॉश करनी है, फ्लेवर कैसे बनानी, ये सब जानकारी इसके अंदर मिलेगी। ये सेटिंग का बटन है, इसके अंदर आप जाके हार्डनेस कम करना है, ज़्यादा करना है, इसको आपको एयर कितना फील करना है आइसक्रीम के अंदर, आपको काउंट 00 करना है, वो सब आप कर सकते हो। तो मैं आपको सेट के बटन के अंदर एंटर होना है। यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन है, ये पासवर्ड प्रोटेक्शन आपको पासवर्ड डालना है जो आप खुद ही कर सकते हो। आपके वहाँ कोई आदमी बैठा है तो उसको चेंजेस नहीं कर सकता है दोस्तों। तो हम इसमें अंदर पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डाल के इसके अंदर एंटर हो चुके हैं हम। यहाँ पे 3 नंबर का शिफ्ट है, इसके अंदर आप हार्ड अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप इसको 4 नंबर है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, मैक्सिमम आप इसको 12 नंबर तक हार्डनेस ले जा सकते हो। अभी हमने जो आइसक्रीम निकाला वो 3 नंबर का आइसक्रीम था, और इससे डाउन भी करना है तो आप इसको मिनिमम 1 नंबर तक आइसक्रीम निकाल सकते हो। 1 नंबर में आपको थिक सेक निकलेगा, इसमें से आइसक्रीम बेस में लिक्विड निकलेगा, थिक सेक बोलते हैं उसको। तो अभी हम इसको 3 नंबर में नॉर्मल पे रहने देते हैं। ये इन का ऑप्शन है, अगर आपको एयर ज़्यादा फील करना है तो आप इसको हाई कर सकते हो, अगर कम फील करना है तो लो कर सकते हो। अभी इन था, रेगुलर मीडियम एवरेज में था, प्लस नेक्स्ट पेज में आपको जाना है। यहाँ पे आपने कितना कोण निकाला है तो 22 कोण्स दिखा रहा है इसमें, प्रेजेंट कोण 22। अभी इसको आपको 00 करना है तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कप रिसेट दबा के इसको 00 पे कर सकते हो। ये 00 हो चुका है आपका कोण, आप देख सकते हैं। अभी हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, आउटर ऑप्शन पे आ चुके हैं हम इसके अंदर।
अभी इसका तीसरा फेज वही रहेगा कि मशीन में से मटेरियल निकाल के मशीन को वॉश कैसे किया जाता है, तो अभी हम इसका थर्ड स्टेज भी आपको इसके अंदर बताएंगे वीडियो के अंदर। अभी दोस्तों इसमें से मटेरियल को निकालना कैसे, अगर रात को मटेरियल बचा हुआ है आपका और उसको निकाल के आपको आपके घर के फ्रिज में रखना है और अगले दिन आके उसको यूज करना है तो उसको निकालना कैसे, तो ये बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पे वॉश का बटन दिखाई दे रहा है, वॉश का बटन दबाने से अंदर जो मटेरियल पड़ा है उसको पुश करना है आपको। ये दबाने से जो मटेरियल पड़ा है वो पिघलने लगेगा इसके अंदर। इसको आपको कम से कम 10 मिनट तक चलाना है, 8 से 10 मिनट चलाना है। जो सिलेंडर के अंदर आइसक्रीम जमा हुआ है उसको पिघल देगा, पूरा लिक्विड फॉर्म में ले लेगा। 10 मिनट के बाद आपको हैंडल खींच के यहाँ पे अगर आपने वेनिला लगाई, यहाँ पे चॉकलेट लगाया तो दोनों का अलग अलग ट्यूबिंग लगा के उसको डिस्ट्रॉय आपको करके निकाल देना है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले अपना जो मटेरियल अच्छा है, जो बचा हुआ मटेरियल है, जो अगले दिन अपने को यूज़ करना है, वो मटेरियल को अच्छी तरीके से प्रॉपरली पहले निकाल लेना है, जिससे आप अगले दिन उसको यूज कर पाए। और उसको निकालने के बाद नॉर्मल वाटर से, दो बार नॉर्मल वाटर से, एक बार गर्म पानी से उसको वॉश करके मशीन छोड़ देना है। वो हम आपको ये वीडियो के अंदर बताएंगे कि किसे इसको ऑपरेट करना है, ठीक है। अभी 10 से 12 मिनट हो चुका है, अभी हम इसमें से मटेरियल डिस्ट्रॉय करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म हो चुका है मटेरियल, आप देख सकते हैं आइसक्रीम में से लिक्विड फॉर्म हो गया है। हम बीच में से निकालेंगे क्योंकि हमने एक ही फ्लेवर डाला है स्ट्रॉबेरी, अगर आपने दोनों अलग अलग डाला है तो दोनों अलग अलग का बाउल आपको लगाना है इसके अंदर। ये आप देख सकते हो सब मटेरियल लिक्विड फॉर्म बन के बाहर आ रहा है इसमें से। हम तीनों हैंडल निकाल के इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मटेरियल को निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं सब मटेरियल बाउल में वापस फिलअप हो रहा है इसके अंदर। जो मटेरियल बचा हुआ है आप उसको नेक्स्ट डे यूज कर सकते हो, ऐसे बाउल में भर के घर के नॉर्मल फ्रीज है उसमें रख सकते हो, जहाँ पे आप पानी रखते हो वहाँ पे रख सकते हो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर। नेक्स्ट डे आके आप उसको सबसे पहले ये पुराना मटेरियल डालिए, फिर नया मटेरियल डाल सकते हो। ये आप कम से कम 4 से 5 दिन तक इसको रख सकते हो, ये मटेरियल ख़राब नहीं होगा आपका। आप देख सकते हैं जितना आता है वहाँ तक आपको निकाल लेना है, जब तक आना बंद हो जाता है फिर उसको वॉशिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर देनी है हमारे को, जिससे हमारा जो मटेरियल बचा हुआ है वो वेस्टेज ना जावे, ख़राब ना होवे। जितना होता है उतना अपने को मटेरियल डिस्ट्रॉय कर लेना है, निकाल लेना है इसके अंदर से। अगर आपको नाइट मोड का भी इमरजेंसी है तो नाइट मोड का भी ऑप्शन मशीन में दिया गया है, नाइट मोड में भी रख के जा सकते हो, लेकिन एवरीडे मशीन वॉश करेंगे तो मशीन का लाइफ अच्छा रहेगा। हम कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके पास टाइम है 10-15 मिनट का तो आप वॉश करके ही जाइए, मशीन को क्लीन अप करके ही जाइए, जिससे मशीन का लाइफ अच्छा रहेगा इसके अंदर। अगर इमरजेंसी है तो आप इसको नाइट मोड का यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। ये मैक्सिमम मटेरियल निकल चुका है इसके अंदर से, आप देख सकते हो आना बंद हो चुका है एकदम, मैक्सिमम मटेरियल इसके अंदर से निकल चुका है। अभी हम इसको बंद कर देंगे ऐसे, ये आप देख सकते हो मटेरियल लेता हूँ यहाँ, ये आप देखिए हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, सब मटेरियल निकाल दिया इसमें से। अभी हम इसको वॉशिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसका थोड़ा वाटर पानी गर्म करने के लिए रख देंगे थोड़ा, ये हॉट वाटर का किटली है, इसको पानी गर्म करने के लिए रख देंगे हम। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा पानी वॉशिंग के लिए डालेंगे, लाओ कैमरा देखो। तो इसका दोनों टैंक है जो हमने अभी मटेरियल निकाल दिया इसमें से, आप देख सकते हैं पूरा। इसमें वॉशिंग के लिए पानी डालेंगे, नॉर्मल वाटर है। नॉर्मल वाटर डाल के आपको
चार से पाँच मिनट चलाना है मशीन को वॉश पे, वॉशिंग पे। तो वॉशिंग पे भी चल रहा है मशीन, इसको चार से पाँच मिनट चलाने के बाद वाटर को डिस्ट्रॉय कर देना है, निकाल देना है आपको। अभी हम इसके अंदर से वाटर को निकाल देंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। ये आप देख सकते हैं पूरा वाटर आ चुका है इसके अंदर लाइन पे। अभी हम दोबारा नॉर्मल वाटर डालेंगे इसके अंदर थोड़ा। दूसरी बार, दो बार आपको नॉर्मल वाटर से वॉश करना है और तीसरी बार हॉट वाटर से, जो हमने भी गर्म करके रखा है, इसलिए वॉशिंग फिनिश हो जाएगा आपका। जो मशीन साफ सुफ करना है, धोना, क्लियर हो जाएगा। आपको मशीन को साइड में रख देना है। नेक्स्ट डे आके आपको एक बार नॉर्मल वाटर से, पानी से वॉश करके फिर मशीन में मटेरियल डाल देना है। आपने जो मटेरियल अगले दिन का बचा हुआ है मटेरियल वापस लगा के अपना बिजनेस वापस स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अभी हम नेक्स्ट में इसका जो भी मटेरियल वाटर डाला है वो भी हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, निकाल देंगे। ये आप देख सकते हो पानी का कलर, देख सकते हैं पूरा क्लीन अप हो चुका है कलर इसका। जरा भी मिल्क का भाग नहीं है इसके अंदर, जरा भी। आप देखिए जो प्रॉपर तरीके से अच्छे से मशीन वॉश हो जाएगा आपका, क्लीन अप हो जाएगा। ये सेकेंड वेव भी क्लियर हो चुका है हमारा। अभी वाटर गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने यहाँ पे किटली रखा हुआ है, झूम कर इन देखा। अब ऐसे ये गर्म हो चुका है पानी। अभी हम हॉट वाटर है इसके अंदर वॉशिंग के लिए डालेंगे, दोनों बाउल में डालेंगे थोड़ा थोड़ा। आप देख सकते हैं पूरा। गर्म पानी डालने से इसमें जितना भी स्माइल है, जितना भी मिल्क का चिक्का से चिकनापन है, वो सब क्लीन अच्छे से प्रॉपरली हो जाएगा। ये आपको दो से तीन मिनट चला के पानी डिस्ट्रॉय करके मशीन छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट डे जब आते हो तब उसको एक बार वॉश करके नॉर्मल वाटर से अगले दिन का मटेरियल पड़ा है वो इसके अंदर लगा देना है। तो दोस्तों हमने आपको पूरी जानकारी दी, इसकी डिटेल्स थी दोस्तों। तो मैं आपको इसकी प्राइसिंग भी बता देता हूँ दोस्तों कि एक कोन बनाने का कितने में आपको खर्चा पड़ता है। 4 लीटर मिल्क, 1 किलो आइसक्रीम का पाउडर जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, वो सब मिला के आप इसके अंदर से 105 से 110 कोन का बैकअप निकलेगा दोस्तों। मशीन में से जो आप 4 लीटर मिल्क और 1 किलो पाउडर डालेंगे उसमें से 105 से 110 का कोन निकलेंगे। कोन निकालो या कप निकालो इसके अंदर से, एक कोन बनाने का खर्चा आपको 5 से 5.5 रुपये में लैंडिंग आता है दोस्तों। एक कोन बनाने का खर्चा 5 से 5.5 में, इसके अंदर मिल्क भी आ गया, पाउडर आ गया, कोन का कॉस्टिंग आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, सब कुछ मिला के मैक्सिमम 5.5। वैसे तो 5 रुपये कॉस्ट होता है, फिर भी आप मैक्सिमम 5.5 रुपये पकड़ लीजिए। एक कोन सेलिंग प्राइस इसका 15 रुपये, एक कोन आप 15 रुपये में सेल कर सकते हो, कम से कम आराम से 10 रुपये का नेकेट प्रॉफिट है। अगर आपका कोई देहात इलाका है जैसे कि गाँव है, छोटा मोहल्ला है, तो वहाँ पर आप उसको 10 रुपये में भी एक कोन सेल कर सकते हो, तो एक कोन पे आपको 4.5 रुपये का नेकेट प्रॉफिट मिलेगा। ये मशीन की 1 घंटे की कैपेसिटी है दोस्तों, 300 से 350 कोन 1 घंटे के अंदर सर्विंग कर सकते हो आप। अगर आप रिटेल लाइव कस्टमर को भी सेव दे सकते हो, अगर आप छोटा सा एक 10-15 हज़ार का डीप फ्रीजर भी लेते हो तो उसमें आप बैठे बैठे डिब्बिया जो 10-10 रुपये 15-15 में बिकती है, जो फैमिली पैक घर पर बैठ के खाते हैं, तो वैसी डिब्बिया भी आप 500-700 बना के डीप फ्रीजर में दोस्तों स्टोर कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे बिजनेस आइडियाज है इसके अंदर, आप अलग अलग वेराइटीज बना सकते हो, 15 रुपये से लेके 150 रुपये तक का एक कोन बना सकते हो, अलग अलग वेराइटीज बना के उसके अंदर टॉपिंग्स लगा के, ट्विंकल्स लगा के, ड्राई फ्रूट डाल के 150 रुपये तक का भी आप कोन बना सकते हो अपने आइडिया से, अपने आइडियोलॉजी से। तो दोस्तों आज की तारीख में सबसे लेटेस्ट मॉडल है 2021 का, हाई फंक्शन हाई टेक्नोलॉजी वाला मशीन है, हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला मशीन है दोस्तों। मैंने आपको हमारी जो डॉल्फिन ब्रांड की जो जो प्रोडक्ट है सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन में, जैसे सिंगल फ्लेवर है, 2+1 की है, ये फ्लोर मॉडल है,
रेमबो सिस्टम वाली सब मॉडल के बारे में बताया है। इसकी प्राइसिंग और डिटेल्स जानने के लिए आप डायरेक्टली हमारी कंपनी के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जहाँ पे लिंकिंग है वहाँ पे नीचे नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे कॉल करके आप इसकी प्राइस, इसके अंदर ऑफर क्या चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, डिलीवरी कैसे मिलेगी, मशीन के साथ क्या क्या चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री में, हर एक जानकारी हमारी टीम से आप ले सकते हो। दोस्तों मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारी टीम ओपन रहती है, एक्टिव रहती है हमारे कस्टमर को डिटेल्स देने के लिए। दोस्तों तो आप मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक कभी भी कॉल करके हर एक जानकारी डिटेल फंक्शन ले सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने से आपको हमारी नई नई प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स मिलेगी, जैसे हमारी सोडा मशीन है, आइसक्रीम मशीन है, गन्ने के जूस की मशीन है, पॉपकॉर्न मशीन, कॉटन कैंडी मशीन, बहुत सारी मशीन हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करती है। दोस्तों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारी नए नए प्रोडक्ट आपको डिटेल्स मिले कि क्या प्रॉफिट है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे चलानी है मशीन। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद हुई तो लाइक कीजिए एक बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।